सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पेट एडमिट कार्ड और यहाँ पर पेट एग्जाम डेट को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेट एग्जाम की डेट को अब यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है 24 अगस्त को पेट का एग्जाम जो है यहाँ पर कराया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर पेट एडमिट कार्ड जो है आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और कब तक जो है यहाँ पर पेट एडमिट कार्ड जो है कब तक आप लोगों का आ जाएगा, इसके संबंध में यहाँ पर चलिए आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो चले गए तो लगे शेयर करना ना भूलें, साथ ही पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर जैसे एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता देंगे किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से। पेट के माध्यम से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। और यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 तारीख को जो है इस अपडेट को जो है अपडेट किया गया है इस रूल को। तो यहाँ पर देख पाएंगे आयोग के विज्ञापन संख्या इतना प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट यानी 2021 की दिनांक 20 अगस्त 2021 को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तिथि को संशोधित करते हुए आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 24 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को दो पालियों में करने वाली है, जिसमें प्रथम पाली का एग्जाम जो होगा वो 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली में जो एग्जाम होगा वो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। तो इसमें जो है ये निर्णय लिया गया है। अब आप लोगों के 20 अगस्त के जो पेट के एग्जाम्स होने थे पूरे जो है टोटल यहाँ पर 75 जिलों में 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इससे पेट के लिए आवेदन किए थे और वो सभी के जो है 75 जिलों में यहाँ पर केंद्र बन गया है दोस्तों, जिसमें आप सभी यहाँ पर अपना एग्जाम देंगे। पूरी डिटेल लिखे डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। साथ ही यही खबर आप दोस्तों देख सकते हैं 12 अगस्त की डेट में ये न्यूज़ आज जो है प्रदर्शित किया गया। इसमें भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी त्रिपलेसी ने 20 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को रद्द कर जो है नई एग्जाम डेट जारी की है, जिसमें अब जो है परीक्षाएँ 24 अगस्त को दो पालियों में कराई जाएंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल आपको दे दें तो अभी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ इनके माध्यम से बताया गया कि हम एग्जाम डेट के एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो ऐसे में आप 24 अगस्त से एक हफ्ते पहले यहाँ पर आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जो होने का प्रोसेस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन। इसलिए आपको जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर नज़र बना के रखना है, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत जल्द ही अब आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 24 अगस्त को आयोजित होने जा रही यूपी त्रिपलेसी की पेट परीक्षा के एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upitriplesi.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी त्रिपलेसी पेट परीक्षा के लिए 20,73,544 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी हम बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस बार एडमिट कार्ड जो है इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी स्तर के करीब 40,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। जैसे यहां पर जो पदे हैं दोस्तों यहां पर बता दिया गया है कि देख सकते हैं किन किन पदों पर पेट करने के बाद आप लोगों की भर्तियां होने वाली हैं। तो यहां पर ये सारी विभाग की ये जितने भी यहां पर भर्तियां हैं वो बहुत ही जल्द यहां पर पेट का एग्जाम होने के बाद यहां पर सब कुछ क्लियर होने के बाद ये सारी भर्तियाँ निकलने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखनेगा यहाँ पर लेखपाल की भर्ती, लेखपाल में 7,882 लेखपालों की यहाँ पर भर्ती सबसे पहले निकलेगी। उसके बाद बेसिक शिक्षा की भर्ती निकलेगी जो कि 1,055 है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो कि 5 वैकेंसी है और विभिन्न विभागों में लिपिक की भर्तियाँ निकलेंगी जो कि 7,000 यहाँ पर पद है। यहाँ पर लेखा परीक्षक के पद निकलेंगे 1,303 और यहाँ पे ग्राम विकास के 1,658 और यहाँ पे परिवार कल्याण के जो है दोस्तों 9,222 यानी कि 9,222 पद और यहाँ पे बाल विकास पुष्टाहार में 3,448 पद। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नगर निकाय में 383 पद जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके बना दिए गए हैं, यानी कि पेट के एग्जाम के तुरंत बाद आप सभी के रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज जो है रिलीज की जाएंगी और आप इसमें पेट करने वाले ही आवेदन कर पाएंगे। तो ये पेट होने के बाद दोस्तों यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी यहाँ पर निकलने के बाद इन सारी वैकेंसियों में आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। जो पेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी ट्रिपल SC .gov यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर रखा है, इससे में ही आना है दोस्तों। और आपको यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं नोटिफिकेशन कहाँ पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिस बोर्ड में ही आपको देखना है, क्योंकि जो PDF फाइल जारी की है दोस्तों देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्थात परीक्षा के बारे में यहाँ पे ये विज्ञापन जो है जारी किया गया था, जो कि 24 तारीख को ये परीक्षाएं होनी वाली है। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड करके यहाँ से वो PDF फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे नोटिफिकेशन आती है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड जो दोस्तों आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें।